नमस्कार दोस्तों, बाई स्टडी चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सतीश कुमार आपको आज रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपका रीजनिंग की शानदार सी दुनिया में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं हम सीधा अपने चैप्टर की, बात करते हैं अपने लेसन की, बात करते हैं जो आज हम यहाँ पे लेसन पढ़ने वाले हैं उस लेसन की बात करते हैं। सबसे पहले कि हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए हम यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर डायरेक्शन, दिशा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर आता है दिशा। अब बात करते हैं जो दिशा वाला चैप्टर है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि जो दिशा चैप्टर है हमारा बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इजी चैप्टर है। यदि आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर ये बात डाल रखी है कि भाई जो अपना दिशा वाला चैप्टर है, डायरेक्शन वाला जो चैप्टर है, वो कहीं आपको नहीं आएगा या आपको उसके क्वेश्चन करने में कोई समस्या होगी, वो चीज आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब यहां पे बात करते हैं कि बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है ना, और बहुत ही शानदार तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अब यहां पे बात करता हूं जो दिशा वाला चैप्टर है, लगभग हम बात करें प्रत्येक एग्जाम में आता है अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो। अब यहां पे दिशा वाले चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट आराम से इस चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की कि यदि हम कोई क्वेश्चन टाइम यानी कि अपने समय में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आजकल जो एग्जाम की हम बात करते हैं, टाइम का खेल है सारा का सारा, क्योंकि सारा का सारा टाइम पे चलता है। अगर हम टाइम बचा रहे हैं कहीं से तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा, अगर हम टाइम नहीं बचा रहे हैं तो हमारा एग्जाम क्या होता है, निकले तो होगा लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, समस्या होगी। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे चैप्टर की बात करते हैं, डायरेक्शन चैप्टर की बात करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई दिशा कितनी होती है। यदि आप लोगों से मैं पूछता हूं कि भाई दिशा कितनी होती है, तो बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा कि सर दिशा होती है चार, कुछ लोग कहेंगे कि सर दिशा होती है आठ, कुछ लोग कहेंगे कि सर दिशा होती है दस। अगर मैं बात करूं आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यदि दिशा की बात करता हूं तो दिशा हमारी होती है दस दिशा होती है। कितनी दिशा होती है भाई, दस दिशा होती है। अब इन दस दिशाओं की यदि मैं बात करता हूं तो इन दस दिशाओं को दो भागों में बांट रखा है। यहां पे यदि मैं बात करता हूं, चार दिशा हमारी होती है मुख्य दिशा। कौन सी दिशा होती है भाई, मुख्य दिशा होती है। और अगर मैं बात करूं, बच गई जो कौन है, छह दिशा। अगर इन छह दिशाओं की बात करता हूं तो छह दिशा क्या होती है हमारी, उप दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है भाई, उप दिशा होती हैं। अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका उठता है कि सर ये जो चार होती है ना, ये मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? भाई यदि मैं इन चार मुख्य दिशाओं के आप बारे में यदि मैं आपको बताऊं भी नहीं तो आपको मालूम है, आप कहोगे कि सर एक उत्तर दिशा होती है, उत्तर के जस्ट अपोजिट साइड में एक दक्षिण दिशा होती है, और फिर उसके बाद में बात करते हैं कि पूर्व दिशा होती है, और पूर्व के जस्ट अपोजिट साइड में कौन सी दिशा होती है भाई, पश्चिम दिशा होती है। अब यहां पे जो बच गई उन छह दिशाओं के बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे रीजनिंग का जो चैप्टर है डायरेक्शन, उसके अंदर दिशाओं की यदि मैं बात करूं तो दिशा का जो चार्ट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अगर मैं इस दिशा की बात करूं तो दोस्त कौन सी दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है। अगर दिशा की बात करूं मैं यहां पर तो ये कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। अगर मैं बात करता हूं उत्तर के जस्ट राइट साइड में, ये कौन सी दिशा होती है भाई,
पूर्व दिशा होती है, जिसको आप कहते हो ना भाई दिन किधर से निकलता है, सूर्य उदय किधर से होता है, तो यहां से पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है। अब बात करते हैं कि पूर्व के जस्ट अपोजिट साइड में कौन सी दिशा होती है भाई, आप कहोगे सर पश्चिम दिशा होती है। तो चार जिन दिशाओं की बात कर रहा था मैं, मुख्य दिशाओं की, वो चार दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, यही चार दिशाएं होती हैं। पहली कौन सी होती है, उत्तर, फिर बात करें दक्षिण, फिर बात करें पूर्व, और फिर कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। लेकिन यदि मैं बात करूं चार क्या होती है, उप दिशाएं होती हैं। अगर मैं इस दिशा की बात करता हूं, ये किस किस के बीच में आ रही है, उत्तर और पूर्व के बीच में आ रही है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी भाई, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। भाई ये कौन सी दिशा होती है, चार मुख्य दिशाएं तो हमारी होगी, ये हमारी उप दिशा होती है कौन सी, उत्तर पूर्व। अगर मैं दोस्त बात करूं इस दिशा की, तो ये कौन सी दिशा होती है भाई, ये हमारी दिशा होती है दक्षिण पूर्व। अगर मैं इस उप दिशा की बात करता हूं, तो ये कौन सी दिशा होती है, आप कहोगे कि सर ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है दोस्त, दक्षिण पश्चिम दिशा है। अगर मैं बात करता हूं इस दिशा की, तो ये कौन सी दिशा है, आप कहोगे कि सर यह है उत्तर पश्चिम दिशा है। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब आप कहोगे कि सर नहीं, ये सारी चीजें तो हम जानते हैं ना, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करें तो बिल्कुल बेसिक से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और हमारा चैप्टर जो होगा बिल्कुल एडवांस लेवल तक हमारा चैप्टर जाने वाला है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब यहाँ पे बात आपके दिमाग में, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे कि सर आपने तो हमें क्या कहा था कि दिशा क्या होती है, 10, लेकिन यहाँ पे जब मैं गिन रहा हूं तो दिशा मेरे को कितनी मिल रही है, 8 दिशाएं। भाई चार मुख्य दिशाएं, चार उनकी क्या होती हैं, उप दिशाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10 दिशा में 8 तो हमने देख ली, 2 दिशा और होती हैं। उनकी बात करूं तो एक हमारी दिशा होती है ऊपर की दिशा होती है, और एक दिशा हमारी कौन सी होती है भाई, नीचे की दिशा होती है। अगर मैं बात करूं किसी भी हवा से भरे गुब्बारे को, यदि मैं बिल्कुल खुला छोड़ता हूं तो किधर भागता है, ऊपर भागता है ना, तो वो कौन सी दिशा हो गई, ऊपर वाली दिशा हो गई। या मैं यूं कहूं कि आसमान की तरफ मैं देखता हूं तो कौन सी दिशा में देख रहा हूं, ऊपर वाली दिशा में देख रहा हूं। और अगर मैं बात करूं, मान लो किसी ऊंचाई वाली जगह पे आप खड़े और वहां से किसी भी वस्तु को आप नीचे छोड़, मतलब वहां से धक्का मारे, तो किधर आती है, नीचे आती है ना, तो वो कौन सी दिशा हो जाएगी, नीचे वाली दिशा हो जाएगी। इस प्रकार से यदि मैं बात करूं तो हमारी दिशा कितनी हो रही है भाई, 10 दिशा हो रही है। लेकिन यदि मैं रीजनिंग के चैप्टर की बात करता हूं, तो हमारी जो दिशाएं हैं कितनी काम आने वाली है, हमें ये 8 दिशाएं काम आने वाली है। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि सर जो दिशा वाला काम है हमारा, वो तो क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे भाई ज्यादा जो समस्या आती है वो ये आती है, अगर मैं कहूं आपको कि यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, अगर मैं बात करता हूं आपसे कि कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, बिल्कुल इन सभी चीजों को बहुत ही प्यार से हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है ना भाई, यहां खड़ा है वो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका राइट, इसका दायां कौन सी तरफ है, तो आप कहोगे कि सर इसका दायां इस तरफ, ठीक है ना। मैं कहूंगा राइट किस तरफ है भाई, ये जो आर लिख रहा हूं ये किसको दिखा रहा है, राइट को दिखा रहा है। अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैंने कहा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ, इसका राइट किधर है, इसका दायां किधर है, तो आप कहोगे कि सर इसका जो दायां है ना वो नीचे की तरफ है, कौन सी साइड में भाई, इधर। इसका दायां किधर है भाई, इधर है। थोड़ा सा आगे और चलता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे और चलता हूं, यदि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, ठीक है ना, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, नीचे की तरफ, दक्षिण की बात करूं तो भाई नीचे की तरफ की बात कर रहा हूं ना, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उसका राइट किधर होगा,
आप कहोगे कि सर उसका राइट होगा यहां पे, ठीक है ना, इस साइड में। अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम की बात करूं तो दोस्त कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम की बात करूं तो इधर मुंह करके खड़ा है ना वो, तो भाई यहां पे अगर मैं इसके राइट या दाएं छोर की बात करूं कि भाई इसका राइट या दाया किधर है, आप कहोगे कि सर इसका राइट या दाया इधर है। अभी जब मैंने पूछा कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति खड़ा है उसका राइट किधर है, तो आपने एक मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचा कि भाई यहां पे मैं खड़ा हूं उत्तर दिशा में देख रहा हूं, मेरा राइट किधर है, मेरा दाया किधर है, इस साइड। आप जब यहां पे बात कर रहे थे कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आपने अपने आप को क्या सोचा, देख भाई मैं यहां पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मेरा राइट किधर है, इधर है। आपने यहां पे जब मैंने पूछा कि भाई दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, आपने सोचा कि भाई मैं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं और मेरा राइट है इधर है। अब बात करते हैं कि यदि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, आपने फिर अपने को घुमाना स्टार्ट कर दिया, फिर अपने आप को यहाँ पे मान रहे हो कि मैं यहाँ पश्चिम दिशा में खड़ा हूं और पश्चिम दिशा में खड़ा हूं तो मेरा राइट किधर है, ऊपर की तरफ है। लेकिन आज के बाद में ये जो अपने आप को सोचने वाली बात है ना, ये तो भाई बिल्कुल हमें क्या करनी है, बंद कर देनी है। अब आप कहोगे कि सर बंद कैसे करेंगे, बिल्कुल मैं बताता हूं। अच्छा, जब आप घड़ी देखते हो, ये हमारी घड़ी, जब आप घड़ी की बात करते हो तो ये हमारी क्या है भाई, घड़ी है। अब यहां पे 12, यहां 6, यहां 3 और यहां 9। अब मैंने कहा कि कोई घड़ी की सुई हमारी यहां 12 से थोड़ी आगे है, तो एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात बता दो, ज्यादा बड़ी बातें नहीं बतानी है। तो यहां से ये घड़ी की सुई किधर चलती है, आप कहोगे सर ये नीचे की तरफ चलती है, ठीक है ना, आप क्या कहोगे, सर ये नीचे की तरफ चलती है। या मैं यूं पूछूं कि घड़ी जो है हमारी सही दिशा में किधर चलती है, तो आप कहोगे कि सर सही दिशा में ये नीचे की तरफ चलती है। अब मैं बात करूं दिशाओं में, किसकी बात करूं भाई, दिशाओं में बात करता हूं, तो दिशाओं की बात करूं, जैसे कि भाई कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा में खड़ा है, उत्तर से राइट घूमने की जब भी बात करे, किसकी भाई, राइट घूमने की बात करे या दायां घूमने की बात करे, आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है। अब आप यहां क्या करोगे कि यहां घड़ी की सुई मानोगे, राइट घूमने की बात करेगा तो आप किधर चले जाओगे, घड़ी की सुई की दिशा में। यहां से राइट घूमने की बात करेगा किधर चले जाओगे, घड़ी की सुई की दिशा में। यहां से राइट घूमने की बात करेगा किधर चले जाओ, घड़ी की सुई की दिशा में। और अगर यहां से राइट घूमने की बात करो किधर चले जाओगे, जिधर घड़ी घूमती है। जब भी राइट घूमने की बात करेगा, दायां घूमने की बात करेगा, आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है। या मैं यूं कहूं क्लॉकवाइज, CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज, आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है। वहां से सोचने वाली बात हमें क्या करनी है, खत्म करनी है। अब बात करते हैं कि जब वो हमारे हमसे किसकी बात करे, लेफ्ट घूमने की बात करे या किसकी बात करे, बायां घूमने की बात जब वो करे, तो हमें क्या करना है भाई, सीधा से यहां जाओ। यहां एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, भाई इसका लेफ्ट किधर होगा, सर आप कहोगे कि सर इधर लेफ्ट होगा। इसके लेफ्ट की बात करूंगा तो किधर होगा भाई, आप कहोगे सर ऊपर की तरफ होगा। अगर इसके लेफ्ट की बात करूं तो आप कहोगे सर इधर लेफ्ट होगा। और अगर मैं इसके लेफ्ट की बात करता हूं तो आप क्या कहोगे, सर लेफ्ट इधर होगा। अब जब भी छोटी सी बात है, जब लेफ्ट की बात करें ना कि भाई हमें क्या घूमना है, बायां घूमना है, तो सीधी सी बात है, बायां क्या होता है, दाएं का अपोजिट होता है, दाएं का विपरीत होता है। तो भाई क्या करना है, लेफ्ट घूमने की बात आए तो हम क्या करेंगे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम जाएंगे। घड़ी की सुई भाई विपरीत दिशा में घूमेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यहां से लेफ्ट की बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा में, यहां से लेफ्ट की बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा में, और यहां से लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाएंगे। अब दोस्त यहां पे जब भी वो लेफ्ट या बायां घूमने की बात करता है ना, तो आपको क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाना है या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, ACW का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हमें घूम जाना है। ये बात तो क्या होगी, बिल्कुल बेसिक सी बात होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना।
जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, अब आप कहोगे कहीं से भी चलना प्रारंभ कर दो, किसी भी बिंदु से चलना प्रारंभ कर दो, यहां पे वो व्यक्ति खड़ा है। अगर मैं बात करता हूं उत्तर दिशा की, किसकी दोस्त, उत्तर दिशा की बात करता हूं, तो उत्तर दिशा की बात करूं तो किधर चलेगा, आप कहोगे कि सर ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है, कुछ दूर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर की बात करो यहां पे सारे बने हुए ना भाई, कुछ दूर उत्तर दिशा में वो क्या करता है, चलता है, और उत्तर दिशा में चलने के बाद में वह अपने दाएं घूम जाता है। किसकी बात कर रहा हूं दोस्त, मैं दाएं की बात कर रहा हूं कि वो अपने दाएं घूम गया या क्या घूम गया, राइट घूम गया, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे कि सीधा का सीधा इसको घुमा दोगे राइट ऐसे, ठीक है ना। अब एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कई लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर राइट इधर भी तो होगा ना इसका, फिर यहाँ कुछ लोग कहते हैं सर राइट इधर भी तो होगा ना इसका, लेकिन हमें जब भी वो राइट घूमने की बात करें, केवल उसने क्या कहा हो कि हमें दायां घूमना है, उसने इससे आगे कुछ भी नहीं कह रखा, केवल उसने क्या कहा है कि सर हमें दायां घूमना है। दायां घूमने की जब भी बात करेंगे ना, तो ये स्थिति भी गलत होगी, ये स्थिति भी क्या होगी दोस्त, गलत होगी। फिर स्थिति कौन सी ठीक होगी, बिल्कुल जब भी दायां घूमने की बात करें हमें क्या करना है, बिल्कुल 90 डिग्री घूम जाना है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पे घूमे जाएंगे। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन उठा लेते हैं कि सर फिर हमें ये बताओ कि 90 डिग्री क्यों, चलो मैं बताता हूं भाई, मैं उत्तर दिशा की ओर देख रहा हूं, मेरे को अपने राइट घूमना है, मेरा राइट हाथ बिल्कुल किधर जा रहा है, उठ के इधर है, और जब मैं सामने देखता हुआ बिल्कुल इधर घूमता हूं तो बिल्कुल कितना घूमूंगा, 90 डिग्री घूमूंगा। इसलिए जब भी दोस्त किसकी बात करे वो राइट घूमने की बात करे, दाएं घूमने की बात करे, एक चीज और ऐड कर दो, आपको क्या करना है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाना है। और जस्ट इसके विपरीत की बात करें कि यदि वो आपको कहे कि लेफ्ट घूमना है या बायां घूमना है, आपको किधर घूम जाना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में आपको घूम जाना है। दोस्त यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल क्या है हमारा बेस चल रहा है। अब स्टार्ट होता है कि भाई इसका जो पहला टाइप पढ़ेंगे दोस्त, वो हमारा पहला टाइप है कि हम क्या करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे। पहला जो टाइप है दोस्त हमारा यही है कि हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, दिशा ज्ञात करना, ठीक है भाई। अब दिशा ज्ञात करने की बात करते हैं, यहां पे इस टाइप को हम दो टाइप में और डिवाइड करेंगे, दो टाइप में और बांटेंगे। हमारा पहला भाग होगा ए, अंतिम दिशा ज्ञात करना, और दूसरा इसका टाइप होगा बी टाइप, वो होगा हमारा प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। दोस्त अरे तैयार होना, अब यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले टाइप कौन सा पढ़ेंगे, अंतिम दिशा ज्ञात करना, दूसरा टाइप कौन सा पढ़ेंगे, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। तो यहां पे पहला टाइप लिख लो हम क्या पढ़ेंगे, अंतिम दिशा ज्ञात करना यहां पर हमें पढ़ने वाले हैं। अब अंतिम दिशा ज्ञात करने वाले जो टाइप में, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हमें ये तो बताओ कि प्रश्न आएंगे कैसे और उन प्रश्नों को हल हम कैसे करेंगे, भाई बिल्कुल बताएंगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो किस टाइप से आते हैं और कैसे आते हैं, उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे फ्रेंड्स ने ये जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लिख लिया होगा। अगर नहीं लिख पाए किसी कारण से, तो आप अपने वीडियो को रोकना, और रोकने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई देंगे, इन सभी को क्या करना, लिख लेना। अब यहाँ पे अपना जो पहला टाइप है दोस्त, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अंतिम दिशा ज्ञात करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उसकी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि भाई यहाँ पे प्रश्न जो होता है हमारा कैसे आता है, उसने कहा कि एक व्यक्ति
उत्तर दिशा में कुछ दूर चलता है फिर बाएं घूमकर कुछ दूर चलता है फिर दाएं घूमकर कुछ दूर चलता है और अंत में अपने बाएं घूमकर कुछ दूर चलता है। तो बताओ अभी वह कौन सी दिशा में चल रहा है। क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं ना भाई। उसने क्वेश्चन में क्या कहा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में कुछ दूर चलता है फिर बाएं घूमकर कुछ दूर चलता है फिर दाएं घूमकर कुछ दूर चलता है और अंत में अपने क्या चलता है भाई, बाएं घूमकर कुछ दूर चलता है। बताओ अभी वह कौन सी दिशा में चल रहे हैं। अच्छा उसने कौन सी दिशा पूछी, अंतिम दिशा पूछ रहे ना वो। हमने भी टाइप का नाम कौन सी का डाल रखा है कि हम क्या ज्ञात करेंगे, अंतिम दिशा ज्ञात करेंगे ना। अब यहां पे बहुत सारे मेरे प्यारे मित्रों ने इसका आंसर बता भी दिया होगा कि सर इसका आंसर आएगा ये, क्यों, क्योंकि हम बेसिक चीज तो यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं भाई। इसमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कुछ अलग हो, कुछ अलग टाइप से हो या कुछ समझने वाली बात नहीं हो। बिल्कुल इसको क्या करते हैं, आराम से समझते हैं, बहुत ही प्यार से इस चीज को समझते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम बना के इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें समय बचाने की हमारी कोशिश यहाँ पे हमें करेंगे। अब उसने क्या कहा, बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार कि एक व्यक्ति, ठीक है ना, एक व्यक्ति की बात कर रहा है, कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में। अच्छा यहाँ पे प्रारंभिक दिशा दे रखी है ना उसकी, भाई यहाँ देखो कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वो उत्तर दिशा में, उसकी प्रारंभिक दिशा यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पे वो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यहां से क्या करूं इस व्यक्ति को मैं, उत्तर दिशा की बात करूं तो उत्तर किधर चलेगा, ऊपर की तरफ है। यहां से वो उत्तर दिशा में कुछ दूर चलता है, उस दूर का मतलब जितनी भी दूर, क्योंकि उसने हमें बता नहीं रखा कि भाई कितनी दूर चलना है, कुछ दूर चलता है और उसके बाद में फिर वो अपने क्या घूम जाता है, बाएं घूम जाता है। अब बाएं में यहाँ पे यदि आपने खुद को सोच रहे हो कि बाएं का मतलब मेरे को किधर घूमना है, तो यहाँ पे मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा था, यदि आप लेफ्ट घूम रहे हो या बायां घूम रहे हो तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी की सुई है, यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में इधर घूमोगे, यानी कि यहाँ से किधर घूम जाओगे, यहाँ पे आप कहोगे कि सर बाएं का मतलब मैं इधर घूम जाऊंगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है कि वो बाएं घूमकर कुछ दूर चल रहे हैं, कुछ दूर का मतलब कुछ दूर, ठीक है ना। फिर वो क्या कह रहा है, बाएं घूमकर कुछ दूर चलता है फिर क्या करता है, अपने दाएं घूम जाता है। फिर क्या कर रहा है भाई, वो अपने दाएं घूम जाता है, यहां से दाएं घूमो तो भाई ये हमारी घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई की दिशा में ऊपर की तरफ घूमना है ना, यहां से दाएं घूम जाता है, किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, यानी कि ये घड़ी की सुई है, यहां से दाएं किधर घूम रहा है, ऊपर की तरफ घूम रहा है। दाएं घूमकर कुछ दूर चलता है, यहां वो लेफ्ट घूमा, यहां वो राइट घूमा, दाएं घूमकर कुछ दूर चलता है और अंत में अपने क्या करता है, बाएं घूम जाता है।
रहा है। अगर मैं बाएं की बात करूं तो दोस्त बाएं किधर घूमोगे, बाएं का मतलब मैंने आपको क्या कहा था, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। अभी किधर जा रहा है वो, कौन सी दिशा में जा रहा है भाई वो, आप कहोगे सर पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है भाई वो, पश्चिम दिशा में जा रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई, पश्चिम। अब कुछ मेरे प्यारे दोस्त ये सोच रहे होंगे, बिल्कुल उनका सोचना भी अच्छा है, यदि सर डायग्राम बना के अगर इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, क्या अगर डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं तो फिर हमारा यहाँ पे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। फिर आप कहोगे कि सर हम ऐसा तो हम खुद भी कर सकते थे ना। अब इसी क्वेश्चन को हम डायग्राम बनाकर सोल्व नहीं करेंगे, अभी अपना आंसर ध्यान रखेंगे। अभी कौन सी दिशा में चल रहा था वो, अंत में पश्चिम दिशा में चल रहा था। अभी यहाँ पे इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, ऊपर से दिशाएं आपने लिख ली होगी, सभी को बहुत अच्छे से ध्यान होगा। यहाँ पे कुछ बातें पढ़ते, ठीक है ना, कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं जो काम आने वाली है हमारी। मैंने यहाँ पे कहा कि एक व्यक्ति है पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पूर्व की बात करूं वो कौन सी दिशा में जाएगा, इस दिशा में। कुछ दूर चलता है पूर्व दिशा में, उसके बाद में अपने राइट घूम जाएगा। अब राइट का मतलब आप क्या कहोगे, ये घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि नीचे की तरफ वो घूम गया। राइट घूम के कुछ दूर चलता है और उसके बाद में क्या कर रहा है भाई, वो अपने लेफ्ट घूम रहा है। एक बात बताओ छोटी सी मेरे को, लेफ्ट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये लेफ्ट है, यहां से किधर घूम जाओगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि किधर घूमोगे, यहाँ पे घूमोगे। किधर चल रहे हो, कौन सी दिशा में, आप कहोगे सर हम अभी फिलहाल पता है कौन सी दिशा में चल रहे हैं, पूर्व दिशा में चल रहे हैं। अच्छा आपने चलना कौन सी दिशा में प्रारंभ किया था, आप कहोगे कि सर हमने चलना भी पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अच्छा फिर किधर किधर घूमे, आप कहोगे सर एक बार राइट घूमा और एक बार लेफ्ट घूमा। थोड़ा सा आगे और चलते, ठीक है भाई, यहाँ पे है, मैंने कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उत्तर दिशा का मतलब आप कहोगे सर ऊपर की तरफ जा रहा है। उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद में कुछ दूर चलता है उत्तर दिशा में और अपने लेफ्ट घूम जाता है। किधर घूम रहा है भाई, वो अपने लेफ्ट घूम जाता है। लेफ्ट का मतलब दोस्त वो किधर घूमेगा, इधर घूमेगा या उधर घूमेगा। अब आप कहोगे कि सर ये घड़ी की सुई है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, यानी कि लेफ्ट इधर घूमेगा। लेफ्ट घूम के कुछ दूर चलता है और अपने राइट घूम जाता है। अब अगर मैं यहां से पूछूं कि राइट किधर घूमेगा, ऊपर घूमेगा या नीचे घूमेगा, अब आप कहोगे कि सर राइट की यदि बात करें ना तो ये राइट घूमेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई की दिशा में हमें घूमना होता है। किधर घूमेगा भाई, वो ऊपर की तरफ घूमेगा। अभी वह कौन सी दिशा में चल रहा है, आप कहोगे सर उत्तर दिशा में चल रहा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रारंभ में उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, आप कहोगे कि सर उसने उत्तर दिशा में ही चलना प्रारंभ किया था। घूमा कितनी बार, आप कहोगे सर एक बार लेफ्ट घूमा एक बार राइट घूमा। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही शानदार बात आ रही होगी कि यदि कोई व्यक्ति एक बार क्या घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है, और एक बार क्या घूम रहा है, राइट घूम रहा है, तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि उसने जिस भी दिशा में चलना प्रारंभ किया था अभी भी वो क्या चल रहा है, उसी दिशा में चल रहा है। आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आई। अब क्या करेंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति है एक बार राइट घूम रहा है, एक बार क्या घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनको अपनी गिनती में गिनेंगे ही नहीं, उनको क्या करेंगे, एक राइट को और एक लेफ्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे दोस्त एक राइट और एक लेफ्ट को कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे एक बार राइट घूमता है एक बार लेफ्ट घूमता है, उस चीज से हमारी दिशा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे
इसी क्वेश्चन को हम बगैर डायग्राम बनाए अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। भाई उसने क्या कहा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में कुछ दूर चलता है। उस व्यक्ति ने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलता है, उसके बाद में क्या घूमता है, बाएं घूमता है। बाएं की बात करूं तो भाई यहां पे मैं इसको लेफ्ट से दर्शा रहा हूं। लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां, और लेफ्ट को मैंने एल लिख दिया। भाई वो क्या घूमता है, लेफ्ट। फिर उसके बाद में कुछ दूर चलने के बाद में वो क्या घूमता है भाई, दाएं घूमता है। दाएं घूमने का मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट घूम रहा है। फिर भाई क्या कर रहा है, अंत में वह फिर से भाई क्या घूम रहा है, बाएं घूम रहा है, यानी कि क्या घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ अभी वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो भाई यदि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि वो कौन सी दिशा में चल रहा है, तो हमें वही काम करना है। मैंने आपको क्या कहा था, जहां पे भी हमें एक लेफ्ट मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, राइट, हम उनको क्या कर देंगे भाई, झट से कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल क्यों करेंगे, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इनको कैंसिल हमें क्यों करेंगे, क्योंकि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट घूमने से हमारी दिशा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब हमारे पास में बच गया, गया सही सलामत है। आप कहोगे कि सर लेफ्ट बच गया, अब ये लेफ्ट का करना क्या है, कुछ नहीं करना। प्रारंभ में हम कौन सी दिशा में चल रहे थे, आप कहोगे कि सर उत्तर दिशा में, उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ चल रहे थे ना, तो उत्तर से आपको क्या घूम जाना है, जो भी हमारे पास में बच रहा है, क्या बच रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में इधर घूमोगे। कौन सी दिशा में चल रहे हो अभी, आप कहोगे कि सर हम पश्चिम दिशा में चल रहे थे। जब हमने डायग्राम बनाया था तब भी आंसर क्या निकाला था भाई, पश्चिम ही निकाला था ना। और बगैर डायग्राम हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तब भी हमारा आंसर क्या रहे भाई, पश्चिम ही हमारा आंसर है आ रहा है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन अगले क्वेश्चन को मैं इस रूप में नहीं लिखूंगा, उसको मैं शॉर्ट रूप में लिखूंगा। और आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताने में हमें 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। और अगर हमने ये अचीवमेंट हासिल कर ली समय बचाने वाली, अरे फिर तो मजा आ जाएगा यार, बहुत आनंद आने वाला है। अभी इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। कौन सी दिशा में भाई, पूर्व दिशा में। चलो मैं लिख देता हूं कि वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहे है भाई, पूर्व दिशा में चलना उसने प्रारंभ किया। वो पहले अपने दाएं घूमते हैं, दाएं का मतलब है राइट, फिर वह लेफ्ट घूमता है, फिर वह दो बार राइट घूमता है, फिर वह दो बार लेफ्ट घूमता है, और अंत में अपने क्या घूम जाता है, राइट घूम जाता है। अंत में अपने क्या घूम जाता है भाई, दाएं घूम जाता है। बताओ अभी वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक राइट और एक लेफ्ट को क्या कर देंगे, हमें कैंसिल कर देंगे। बोला किया या नहीं किया, बोला सर कर दिया। फिर से हमारे पास में दो राइट है, तो क्या कर दूं, दो लेफ्ट को कैंसिल कर दूं। अभी मेरे पास में क्या बच रहा है, एक राइट बच रहा है। अब इसे एक राइट का क्या करना है भाई, भाई दीपावली आ रही है, इसको सजा के तो नहीं रखेंगे ना। इस एक राइट का हमें क्या करना है, इस एक राइट का भाई हमारे पास, हम कौन सी दिशा में चल रहे थे, पूर्व में, पूर्व दिशा में चल रहे थे, पूर्व से राइट घूम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में बची क्या रहे, राइट। राइट का मतलब ये घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई की दिशा में। अभी फिलहाल कौन सी दिशा में चल रहा है, अंत में वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। अब इससे बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं भाई। यहां पे किसी को भी 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। लेकिन अभी हम बात कौन से टाइप की कर रहे हैं भाई, अंतिम दिशा ज्ञात करने वाले टाइप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूं, मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया। कौन सी दिशा में चल रहे भाई, वो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया। पश्चिम दिशा में कुछ दूर चलता है, उसके बाद में एक बार लेफ्ट घूम जाता है।
फिर कुछ दूर चलता है, एक बार अपने राइट घूम जाता है, फिर दो बार लेफ्ट घूमता है, दो बार राइट घूमता है, फिर दो बार क्या घूम जाता है, राइट, और दो बार क्या घूम जाता है, लेफ्ट घूम जाता है, और अंत में वापस से अपने क्या घूम जाता है भाई, एक बार लेफ्ट घूम जाता है, एक बार क्या करता है भाई, वो अपने लेफ्ट घूम जाता है। बताओ अभी वह कौन सी दिशा में चल रहा था? 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, और इस क्वेश्चन का 10 सेकंड से ज्यादा यदि आप समय लगा रहे हो इस क्वेश्चन का हल निकालने में, यानी कि अभी कहीं ना कहीं आप घूम रहे हो, आपका दिमाग अभी यहां पे नहीं है। अब इधर आ जाओ। अब मैंने क्या कहा था आपको कि एक लेफ्ट और एक राइट जैसे मिल जाए हम उन्हें क्या कर दें, कैंसिल, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में बात करूं दो लेफ्ट है तो दो राइट क्या कर दूं, कैंसिल। फिर यहां पे बात करूं दो राइट है तो दो लेफ्ट क्या कर दूं, कैंसिल। फिर यहां पे मेरे पास में क्या बच गया, एक लेफ्ट बच रहा है। अब इसलिए एक लेफ्ट का क्या करेंगे, मैं कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था मैंने, पश्चिम दिशा में। अब पश्चिम दिशा से क्या कर दूं मैं, लेफ्ट घूम जाऊंगा, यानी कि पश्चिम का मतलब वो इस दिशा में चल रहा है, यहां से लेफ्ट का मतलब ये घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की यदि मैं बात करता हूं, कौन सी दिशा में घूमूंगा भाई मैं, यहां पे यदि मैं लेफ्ट की बात करता हूं कौन सी दिशा में घूमूंगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में चल रहा हूं अभी मैं, दक्षिण दिशा में चल रहा हूं। आंसर क्या रहे मेरा, दक्षिण दिशा रहे। यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो हम आराम से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैंने कहा थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, मैंने कहा एक व्यक्ति ने दक्षिण पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया, कौन सी दिशा में भाई, दक्षिण पूर्व में। एक बार मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं, आपको थोड़ी सी समस्या नहीं होगी इनको देखने में भाई। ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, इसकी बात करो पूर्व है, और इसकी बात करो ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। अगर इस दिशा की बात करता हूं ये हमारी उत्तर पूर्व है, इस दिशा की बात करता हूं ये हमारी क्या है, दक्षिण है पूर्व है, और इस दिशा की बात करता हूं ये हमारी क्या है, दक्षिण पश्चिम है, और इस दिशा की बात करता हूं तो उत्तर है पश्चिम दिशा है। अब उसने क्या कहा कि एक व्यक्ति ने दक्षिण पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि भाई दक्षिण पूर्व दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया। पहले वो राइट घूमा, फिर लेफ्ट घूमा, फिर राइट घूमा, फिर लेफ्ट घूमा, और अंत में अपने लेफ्ट घूम गया। बताओ अभी वह कौन सी दिशा में चल रहा है, अंत में वह कौन सी दिशा में चल रहा है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि सर एक राइट और एक लेफ्ट क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल कर दूंगा। फिर थोड़ा सा आगे मैं चलता हूं तो भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक राइट और एक लेफ्ट वापस से क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल कर दूंगा। अभी मेरे पास में क्या बचा, एक लेफ्ट बचा। उसने प्रारंभ में कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, आप कहोगे कि सर दक्षिण पूर्व दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। दक्षिण पूर्व की बात करूं तो यही दिशा होती है ना, दक्षिण पूर्व, यानी कि यहां से मैं कह देता हूं कि वो दक्षिण पूर्व में चल रहा है ऐसे। अब यहां से क्या करना है आपको, लेफ्ट घूमना है, बाया घूमना है। अब एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है, लेफ्ट की बात करूं तो यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में, और कुछ लोग क्या कर देते हैं इसको लेफ्ट ऐसे घुमा देते हैं, आंसर क्या कर देते हैं, पूर्व। लेकिन मैं उन दोस्तों को बता देना चाहता हूं, मेरे प्यारे दोस्तों को, कि ये वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहां से आपको क्या करना है, बिल्कुल 90 डिग्री क्या करना है, घूम जाना है। अब यहां पे जैसे मैं बात करता हूं 90 डिग्री का मतलब किधर घूमूंगा, सीधा इधर घूमूंगा। कौन सी दिशा में जा रहा हूं मैं, यहां पे उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा हूं। आंसर क्या जाएगा कि अंत में मैं कौन सी दिशा में चल रहा हूं भाई, उत्तर पूर्व दिशा में मैं चल रहा हूं। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना। अभी थोड़ा सा आगे और चलते हैं भाई, यहां पे यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा आगे और चलता हूं, एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ता हूं। मैंने कहा एक व्यक्ति ने, ठीक है ना, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, कौन सी दिशा में भाई, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर वो चलता है,
उसके बाद में वह अपने राइट घूम जाता है, फिर राइट घूम के कुछ दूर चलता है, फिर लेफ्ट घूम जाता है, फिर वापस से वो राइट घूम जाता है, और अंत में वापस से वो फिर क्या घूम जाता है, राइट घूम जाता है। बताओ अभी वह कौन सी दिशा में चल रहा है? अभी भी टाइप हमारा कौन सा चल रहा है? अंतिम दिशा का चल रहा है, ठीक है ना। अभी वो हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ अभी वह कौन सी दिशा में चल रहा है। यहां पे बात करता हूं तो कौन सी दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया? उत्तर दिशा में। आपको एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि एक राइट और एक लेफ्ट को क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल। अभी मेरे पास में क्या बच गया भाई, दो राइट बच गए। क्या बच गया भाई मेरे पास में, दो राइट बच गए, यानी कि मेरे को क्या करना है, दो बार राइट घूमना है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको कि यहां पे आ जाओ। मैंने कहा एक व्यक्ति जो है ना उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया, पूर्व का मतलब इधर चल रहा है ना, वो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलता है, उसके बाद में अपने राइट घूम जाता है। राइट का मतलब नीचे की तरफ घूमेगा ना, यानी कि ये घड़ी की सुई है, इधर घूमेगा बिल्कुल 90 डिग्री। राइट घूम के कुछ दूर चला, वापस से अपने क्या घूम गया, राइट घूम गया, वापस से राइट घूम गया, तो क्या करेंगे भाई, राइट का मतलब इधर वापस भी घूम जाएगा, यानी कि अभी कौन सी दिशा में चल रहा है वो। आप कहोगे कि सर वो पश्चिम दिशा में चल रहा है। मैं पूछूं कि उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो आप कहोगे कि सर उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था। वो घूमा कितनी बार है, दो बार राइट घूमा। अब थोड़ा सा आगे और चलता हूं भाई, यदि मैं कहूं कि एक व्यक्ति, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, अब इसको ध्यान रखना। अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति ने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, उत्तर दिशा का मतलब ऊपर चल रहा है ना, कुछ दूर वो चलता है और उसके बाद में अपने राइट घूम जाता है। उत्तर दिशा में चलता चलता यहां से वो राइट घूमेगा। एक बात बताओ, राइट का मतलब दायां, और दायां का मतलब वो किधर घूमेगा, उस साइड में घूमेगा। राइट घूम जाता है, राइट घूम के कुछ दूर चलता है और वापस अपने क्या घूम जाता है, राइट घूम जाता है, दायां घूम जाता है। राइट या दायां का मतलब वो किधर आ जाएगा दोस्त, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ भी, वो कौन सी दिशा में चल रहा है? आप कहोगे कि सर दक्षिण दिशा में वो चल रहा है। अच्छा मैं पूछूं कौन सी दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था, आप कहोगे कि सर उसने चलना प्रारंभ किया था उत्तर दिशा में। घूमा कितनी बार, दो बार राइट घूमा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे उत्तर दिशा में वो चल रहा है, अभी फिलहाल किधर चल रहा है, अंत में वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। पहले वाले में हमने क्या देखा था कि भाई वो पूर्व दिशा में चल रहा है, दो बार राइट घूम के वो किधर चल रहा था भाई, पश्चिम दिशा में चल रहा था। एक बात तो आपके दिमाग में ठनकी कि जैसे ही मैं दो बार क्या घूम रहा हूँ, राइट घूम रहा हूं, मतलब जिस दिशा में मैं चल रहा था उस दिशा से क्या हो रहा हूं, जस्ट विपरीत हो रहा हूं। अब थोड़ा सा आगे और आ जाते हैं, बात करते हैं कि थोड़ा सा मैंने क्या कहा कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम का मतलब वो इधर आएगा ना, पश्चिम दिशा में कुछ दूर चलता है और उसके बाद में अपने लेफ्ट घूम जाएगा। लेफ्ट का मतलब किधर आ जाएगा भाई, वो लेफ्ट का मतलब वो आ जाएगा भाई का यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि इधर घूम जाएगा, यहां घूम गया, कुछ दूर चला, वापस से अपने लेफ्ट घूम गया, किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। अच्छा अभी वह कौन सी दिशा में चल रहा है, आप कहोगे कि सर पूर्व दिशा में वो चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने चलना कौन सी दिशा में प्रारंभ किया था, आप कहोगे कि सर उसने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। भाई वो घूमा कितनी बार, आप कहोगे सर दो बार, क्या घूम रहा है वो, लेफ्ट घूम रहा है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यदि कोई व्यक्ति दो बार राइट घूम रहा है, मतलब जस्ट उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, अभी दो बार लेफ्ट घूम रहा है तब भी क्या कर रहा है भाई, विपरीत दिशा में चल रहा है। अब यहां पे एक छोटी सी बात नोट कर लो कि भाई यदि मान लो कोई भी व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा है वहां से दो बार क्या घूमे, लेफ्ट घूम जाए, या फिर दो बार क्या घूम जाए, राइट घूम जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, अभी वह जिस भी दिशा में चल रहा है उसकी विपरीत दिशा में वह चल रहा है। अब यहाँ पे वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा वह व्यक्ति उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था,
उत्तर में। वह एक बार राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, दो बार राइट घुमा, अंत में एक राइट और एक लेफ्ट हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अभी हमारे पास में क्या बच रहे हैं, दो राइट बच रहे हैं। दो राइट का मतलब क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि विपरीत दिशा। अच्छा, कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसने, आप कहोगे कि सर उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अभी कौन सी दिशा में चलेगा, उत्तर का जस्ट अपोजिट या विपरीत।